एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ मॉल, वो भी अकेली, क्योंकि बच्चों के साथ आती हूँ तो कोई शॉपिंग नहीं होता है। थोड़ा सा शॉपिंग आना था इसलिए मैं आई हूँ मॉल। और ये दो बच्चों को देखो कैसे मस्त सोए हैं। सो आज मैं स्पेशली जाने वाली हूँ जूडियो। जूडियो बहुत बड़ा वाला था यहाँ पे, तो मैं सोची आज चलो यहीं पे शॉपिंग कर लेती हूँ। लेट्स गो, ये रहा जूडियो एंड लेट्स जंप इनटू द व्लॉग। चलो देखते हम लोग क्या क्या ट्राई करते हैं। चलो 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 जल्दी चलो अंदर। तो दिस वॉज द फर्स्ट आउटफिट। आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस बट इट रियली डिडंट फिट मी वेल, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे को पेट दिख रहा है और साइड से थोड़ा खुला था, तो नो दैट्स नॉट माई चॉइस। मैं इतना खुला नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि माई बॉडी इज स्टिल नॉट इन शेप। दिस वॉज द नेक्स्ट आउटफिट। आई डेंट लाइक दिस अगेन, नीदर दिस वन। आई थिंक द फर्स्ट फ्यू आई डेंट लाइक एट ऑल। आई रियली थॉट कि आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, बट नो आई हैवेंट लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एट ऑल। जब ये कपड़े, बॉडी फिट वाला कपड़े पहन रही थी तब भी समझ आया कि नो 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 आई हैव नॉट लॉस्ट वेट एंड लुक एट माई फेस इन दिस। एनी विच वेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। या इवन दिस वन आई डेंट लाइक, या लेट्स रिमूव इट, गो टू द नेक्स्ट वन। दिस शर्ट आई काइंड ऑफ लाइक्ड बट पीछे से थोड़ा इलास्टिक था, लास्ट को मैंने लिया नहीं। एंड दिस वॉज द आउटफिट आई फाइनली लव्ड एंड आई बॉट। ये मेरे को बहुत ही कम्फर्टेबल लगा। द फिटिंग ऑल्सो वॉज रियली नाइस, इट वॉज प्रॉपर समरिश वाला आउटफिट। आई बॉट दिस वन, यू कैन सी माई हैप्पी डांस। एंड द नेक्स्ट वन दिस वन, आई डिडंट बाई दिस वन। इसका पता नहीं इधर से उधर से सब जगह से नेक पे ये कुछ तो आ रहा था यार, पूरा स्लिप हो रहा था इसका जो बेल्ट है, तो ये मैंने लिया नहीं। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वन। एंड दिस वन आल्सो आई लव्ड, दिस वाज माय मोस्ट फेवरेट वन। मेरे को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। या आई स्टार्टेड डांसिंग वॉचिंग दिस, वॉचिंग मी वेयरिंग दिस। आई एम एम्बैरस माई सेल्फ समटाइम्स, या बट या आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, दैट्स वाई। एंड देन कम्स दिस स्पेशल वाला पैंट। ये पैंट मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मेनली बिकॉज उसका साइज था 28 एंड आई हैव स्टॉप वेयरिंग 28 साइज लॉन्ग बैक एंड अगेन आई एम बैक ऑन 28 साइज। आई डोंट नो इफ द साइज वॉज बिग और वॉट, आई डोंट नो, बट आई फिट इन टू 28 साइज एंड दैट वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पार्ट। एंड आई जस्ट बॉट दिस जीन्स, आई हैड टू बाई दिस जीन्स। आई बॉट दिस जीन्स इन टू कलर्स, आई जस्ट लव्ड इट। एंड यहाँ पे हो गया थोड़ा सा एम्बेरसिंग मोमेंट, मैं बाद में बताती हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये भी ले लिया। तो दो जीन्स एंड दो ड्रेस लिया एंड द ड्रेसेज वर फॉर 890, द ब्लैक वन वॉज फॉर 690 एंड फिर मैं गई मैक्स। तो मैक्स में भी मुझे कुछ नहीं दिखा, एक दो आइटम मैं लेके गई थी ट्रायल में, बट आई एंड अप थिंकिंग लाइक आई डोंट नो व्हाई डिड आई इवन यू नो टेक इट टू द ट्रायल रूम बिकॉज इट वॉज नॉट दैट ग्रेट। लेकिन यहाँ का ट्रायल रूम जो है वो बहुत ही सुंदर था, इट वॉज रियली नाइस। शायद अभी अभी नया बना है, आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ट्रायल रूम्स वेरी नाइस। ये देखो ये वाला है ट्रायल रूम, मेरे को एंटर होते ही बहुत खुश हो गई मैं। तो यहाँ पे भी स्टाइल मारने के लिए 28 साइज वाला जीन्स मैंने लिया और जिप ऊपर ही नहीं आ रहा था। चलो चलो निकलो भैया, निकलो, निकालो निकालो। फिर पैंट निकाल दिया और ये कपड़ा लेने के लिए नहीं लिया, बस ये दिखाने के लिए कि बॉयकॉन फिट मुझे भी आता है। पतली हो गई हूं मैं। यस। एंड ये वाला आउटफिट आई रियली डोंट नो फॉर वॉट जॉय आई हैव चोजन दिस, आई डोंट नो, बट या इट वॉज अ बैड चॉइस। ऐसे जैसे लिया था वैसे ही वापस रख दिया मैंने। एंड सो यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं गई वापस। वापस जाते जाते मुझे दिखा एक स्टोर, वो 99 रुपीज़ वाला स्टोर जो है, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान चाहिए था। ये वाला जो फुसफुस है उसको क्या बोलते हैं, कुछ पंच प्लांटर,
कुछ तो प्रशांत उसको यूज़ करते हैं इस्त्री डालते टाइम उसको कपड़ों पे फुसफुस करने के लिए, तो वो एक लिया मैंने। और युवीर के लिए आइसक्रीम मोल्ड जो है वो एक लिया, एंड पैशो के लिए एक छोटा सा एक टॉय लिया वो वेजिटेबल्स वाला, जो बस 5 मिनट चला फिर उसने उसको लिटरली फेंक दिया। और मुझे मैकडी खाने का बहुत ही मन कर रहा था लेकिन बेचारे मेरे बच्चे नहीं थे तो मैंने नहीं लिया। मैं पार्सल भी लेके जा सकती थी बट आई डिडंट वांट टू। फिर वेस्ट साइड जाना था टॉप्स चेक करने के लिए, आई रियली वांटेड टॉप्स बट आई फाउंड नथिंग, सो लुक एट माय सैड फेस। एंड उसके बाद मैं गई स्टारबक्स। यहाँ पे कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला ड्रिंक दिख रहा था, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चलो एक बार अंदर जाते हैं फिर मैं दिखाऊंगी क्या था वो इंटरेस्टिंग वाला ड्रिंक। तो यही था वो ड्रिंक, मैंगो ड्रैगन फ्रूट रिफ्रेशर। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया और मेरा आ गया ऑर्डर। एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक होम टू माय बेबी। युवीर तो खेलने के लिए गया था नीचे, प्रायशु प्रशांत के साथ थी घर पे। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ शी इज़ गिविंग मी मुझे से बातें कर रही है। एंड हियर आई एम ट्राइंग माई ड्रिंक एंड यू कुछ तो फिनॉइल जैसा फ्लेवर आ रहा था उसमें, फिनॉइल जैसा स्मेल आ रहा था उसमें, सो आई डिडंट लाइक दैट मच बट सम हाउ आई फिनिश्ड इट ऑफ। ऑलमोस्ट अंधेरा होने को आया था, आई हैड कम लाइक अराउंड 3:34 प्रोबेबली एंड या गोइंग बैक अराउंड 6:37। कैसे टाइम निकल गया यार समझ ही नहीं आया, लेकिन कभी कभी ना खुद अकेली जाके शॉपिंग करके आऊँ, दिस इज़ ऑल्सो फन। Sometimes give it a try, it's fun. People really think ki, you know, we don't enjoy going alone, but it is fun at times. Go alone, shop, have something for yourself. It's a me time. Finally, drink khatam ho gaya hai. Abhi jaate hai seedha ghar and meet Prashu. Aur hamare idhar Tuesday hai, to aa gaya hai Baji. I am finally home. So that's it for today's vlog, guys. The embarrassing moment that happened was मैं जब अपना dress का size छोड़ा था तो बड़ा वाला size जब लेने गई, वापस जब आई, आई बाई मिस्टेक वेंट टू द नेक्स्ट ट्रायल रूम एंड आई रियली पैनिक दैट माई स्टफ्स आर नॉट देयर एंड आई रियली पैनिक एंड देन आई रियलाइज कि शिट आई एम इन द नेक्स्ट रूम मच्छर या सो आई फेल्ट एम्बैरस्ड एक्चुअली। एनी विच वेज आई एम इन अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। इसका भी व्लॉग जल्द ही आएगा, वेट फॉर इट, फन व्लॉग्स आर गोना कम। तो अभी बैक टू बैक फन व्लॉग्स होने वाले हैं, सो वेट फॉर इट। टिल देन सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जो भी है शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। तो टिल देन होप टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टूडल्स, शो सम लव।